माननीय राहुल गांधी जी के उद्बोधन में कुर्सियां बिल्कुल खाली हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि रैली इसलिए हुई केजरीवाल जी की अरेस्ट के विरोध में, दूसरी तरफ ही कांग्रेस ने कह दिया कि नहीं, रैली तो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर हुई ही नहीं, बल्कि रैली तो पूरे इंडिया अलायंस के लिए है। आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में जो विपक्षी नेता और पार्टियां हैं उन्हें एक मंच पर आना पड़ा और हमें एक विपक्षी एकता देखने को मिली? 9 समन्स का निरादर करा है, इसीलिए उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाया गया। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। मैम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो इशू उठाया वो लोकतंत्र बचाओ रैली को लेकर, क्या कारण है लोकतंत्र बचाओ रैली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं थी, वो भ्रष्टाचार का फ्लॉप शो था। कोई भी शब्दकोश उठाकर देख लीजिए, रैली शब्द की परिभाषा में वो सभा फिट ही नहीं बैठती। हम मैंने वो वीडियो भी आप सबके समक्ष रखी जहां पर माननीय राहुल गांधी जी के उद्बोधन में कुर्सियां बिल्कुल खाली हैं, लेकिन जनता जनार्दन का इनको सपोर्ट होगा भी क्यों? 0 सपोर्ट है इंडिया अलायंस को। क्यों? क्योंकि इनमें तो रैली की वजह तक पे समन्वय नहीं मिला। एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि रैली इसलिए हुई क्योंकि केजरीवाल जी की अरेस्ट के विरोध में, दूसरी तरफ ही कांग्रेस ने कह दिया कि नहीं, रैली तो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर हुई ही नहीं, बल्कि रैली तो पूरे इंडिया अलायंस के लिए है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये आपस में एक दूसरे को भी ठग रहे हैं। इनमें ना विचारधारा का समन्वय है, ना मुद्दों का समन्वय है, ना रैली की वजह का समन्वय है। जिस तरह से लोकतंत्र बचाओ नाम दिया गया, आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में जो विपक्षी नेता और पार्टियां हैं उन्हें एक मंच पर आना पड़ा और हमें एक विपक्षी एकता देखने को मिली? लोकतंत्र बचाओ बिल्कुल भी नहीं, भ्रष्टाचार बचाओ था। जितने भी नेता आज जेल में हैं ये भाजपा की वजह से नहीं, ये स्वयं अपने कुकर्मों के कारण जेल में हैं और इस देश की कचहरी ने इनको भेजा है। हेमंत सोरेन जी ने 10 समन्स का निरादर करा था और इसलिए उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाया गया। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 9 समन्स का निरादर करा है, इसीलिए उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाया गया। यहां तक कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया, उससे पहले दिल्ली कोर्ट ने पूरी फाइल देख कर इनके खिलाफ सारे सबूत देखे, उसके बाद इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। आज भी जो इनकी जुडिशियल कस्टडी इनको भेजी गया है, इसका मतलब है कि कोर्ट ने सारी की सारी ईडी की दलीलें सुनी, सारे तथ्य देखे, सारे सबूत देखे और उसके बाद कोर्ट को लगा कि ये फिट केस है कस्टडी का। लेकिन बांसुरी जी, लगातार एक जो प्रोजेक्शन है और एक नरेशन है आम जनता के बीच में, वो एक ही इमेज पेश की जा रही है कि क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और आगामी चुनाव से पहले इस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो या फिर अरविंद केजरीवाल की हो, और मांग भी इसीलिए की जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर जांच होनी चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जांच होनी चाहिए। आप इन सारी मांगों को किस तरह से देखती हैं? जनता जनार्दन को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है इंडिया अलायंस, और इसीलिए ये देखिए जो टाइमिंग की ये बात कर रहे हैं, आप भी जानते कि पहला समन तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पिछले साल 2 नवंबर को आया है, तब तो ये लोकसभा के चुनाव आसपास भी नहीं थे, लेकिन तब तो इन्होंने ऐसे बहानेबाजी करी कि 10 दिन की विपासना की वर्कशॉप में जा रहे हैं। कुछ नहीं है, इंडिया अलायंस ने पहले चोरी करी है, अब सीना चोरी कर रही है, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए जनता जनार्दन का भी समय वेस्ट कर रही है। लेकिन आप देख लेना, इनकी प्रत्येक चोट का जवाब भारत की जनता अपनी वोट से देगी। आखिरी सवाल, अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त? अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। बिल्कुल, तो देखिए जितना नारे में कॉन्फिडेंस उतना उनकी बातचीत में कॉन्फिडेंस। बात करी हमने बांसुरी स्वराज जी से, नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी। साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र बचाओ रैली कुछ और नहीं, अपना भ्रष्टाचार बचाने की एक कोशिश विपक्षी नेताओं की नजर आई थी। कैमरामैन हसन के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।